तो ये है अपना बोस का 010 का सेट, ये पूरा जो है बोस DSLT 010 है, जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। तो इसको हम इधर नहीं खोलेंगे, तो इसको हम इसके ऊपर खोलेंगे। तो ये है बोस का पैकेट DSLT 010। तो ये एक वार्डरोब फिटिंग है जो कि है 4 डबल डोर वार्डरोब, जिसमें कि 2 डोर्स हो। तो ये 2 डोर का फिटिंग है जिसमें कि सॉफ्ट क्लोज है और व्हील सेट है सारे। चैनल जो इसका ट्रैक है वो सेपरेट रहता है, लेकिन वो उसका जो प्राइजिंग है वो इसके साथ में इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले अपने को इसमें मिलते हैं 4 नंबर ऑफ सॉफ्ट क्लोज। तो ये 4 नंबर जो सिस्टम है ये सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है, जो कि लगेंगे फॉर 1 डोर एंड 2nd डोर। जो 1st डोर है वो ओपन एंड क्लोज बोथ साइड सॉफ्ट क्लोज होगा, और जो 2nd डोर है वो भी अगेन ओपन एंड क्लोज बोथ साइड सॉफ्ट क्लोज। तो ये 4 मिलते हैं अपने को सॉफ्ट क्लोज सिस्टम। उसके बाद में इसमें अपने को मिलता है ये व्हील्स हैं, ये जो टॉप और बॉटम जो व्हील्स हैं वो सारे व्हील्स सेट है इसमें, ये पूरे सेट्स हैं। तो अभी हमने इसमें एक पैकेट खोल दिया है। तो ये जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका व्हील है कुछ इस तरह से, ये जो है ट्रैक के अंदर में चलता है यहाँ से, और ये जो हो गया सिंगल व्हील। तो ये 1 डोर में नीचे 2 लगते हैं, ऊपर में 2 लगते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो व्हील है कुछ अलग टाइप का है, जो कि ट्रैक के बीच में चलता है, ताकि जो ट्रैक से आउट होता है, कोई कोई पुराना मॉडल्स जो थे जिनमें कि डोर ओपन करते टाइम में होता क्या था कि जो व्हील है वो ट्रैक से बाहर निकल जाते थे, तो ये वाले मॉडल में ऐसा नहीं है कि ये व्हील बाहर निकल जाएंगे। तो और उसके साथ इसमें अपने को मिलता है सस्पेंशन टाइप व्हील्स है ये। तो अगर डोर में कुछ ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, तो ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो स्मूथली जो डोर है वो मूव करेगा। तो ये हो गया सिंगल व्हील है। तो इसी तरह के अपने को इसमें टोटल 8 व्हील्स मिलते हैं। और उसके अलावा अपने को मिलता है इसमें इंस्टॉलेशन के लिए स्क्रूज है, एलन की है, और एक्सेसरीज जो क्लैंप है प्लास्टिक PVC के, वो सारे इसके साथ में मिलते हैं। तो ये जो व्हील है वो लगता है टॉप में, और जो बॉटम वाला व्हील है वो भी सिमिलर ही व्हील है, उसी की तरह है जो टॉप में लग रहा है उसी तरह का बॉटम में भी व्हील है। लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो उससे लेकिन देखा जाए तो टॉप व्हील से थोड़ा सा हैवी है ये नीचे वाला, क्योंकि इस पर जो वजन ओवरऑल वजन इसी पे आना है। और उसके साथ में एडिशनल इसमें अपने को ब्रश साथ में मिलते हैं 2, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में, ताकि जो डोर जैसे ही मूव करता है तो अगर ट्रैक के अंदर कुछ डस्ट है तो इन ब्रश के थ्रू वो बाहर निकल सके, जो कि बहुत सारे मॉडल्स में ये फीचर नहीं मिलता है अपने को, उनमें नॉर्मल व्हील्स आते हैं। ये जो ब्रश वाला सिस्टम है वो पर्टिकुलर इसी मॉडल के साथ में दिया हुआ है। जो सिस्टम है वो दोनों का सेम है। इसमें भी अपने को सस्पेंशन मिलता है, और फ्रॉम हेयर इस स्क्रू के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर MRP की बात की जाए तो इस प्रोडक्ट का जो MRP है, कॉस्ट जो है, तो इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो है अराउंड MRP, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है MRP 4,450 रुपीज़, जो कि शायद कैमरे में नहीं आ रहा है। तो इसका MRP जो कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो MRP मैं बता देता हूँ आपको, ये MRP है 4,450 रुपीज़, और जो ट्रैक है उसका MRP सेपरेट है। और ये है इसका सॉफ्ट मैकेनिज्म जो कि कुछ इस तरह से काम करता है, इस तरह से सॉफ्ट क्लोज। तो ये है पूरा सॉफ्ट क्लोज जो कि फिट होता है ट्रैक के अंदर, ट्रैक के इनसाइड में फिट हो जाता तो जो अपना वार्डरोब का लुक रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा लुक रहेगा। तो ये सिंगल एक सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है। तो ये मॉडल है, इसके 2 वेरिएंट है, एक आता है फॉर 8 फिट वार्डरोब और एक आता है फॉर 12 फिट। तो जो सिस्टम है, जो व्हील्स है, वो सारे सेम है दोनों मॉडल में, जो डिफरेंट है वो है ओनली इन ट्रैक। तो ट्रैक एक अपने को मिलता है 8 फिट का, एक ट्रैक आता है 12 फिट का। तो ट्रैक जो है वो बॉटम एंड टॉप दोनों एक साथ काउंट होते हैं, तो एक सेट आता है पूरा उसका। तो ये जो 8 फिट वाला वार्डरोब है उसके लिए जो मैकेनिज्म है, ये कॉस्ट पड़ता है तकरीबन 6,000 to 7,000 rupees फॉर 8 फिट, और जो 12 फिट का है उसका अराउंड आएगा 8,000 to 9,000 rupees के आसपास कॉस्ट है। तो मीडियम रेंज में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बाई बोस, और कोड है इसका BSLD 010। तो ये जो सिस्टम है वो सुटेबल है फॉर 19mm डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स के लिए सुटेबल है। 19mm मीन्स 19mm का ब्लॉक बोर्ड प्लस 112mm लैमिनेट जो है, तो ओके है। 20mm ओवरऑल जो साइज़ है वो हो जाएगा, तो उसमें ये सेट हो जाएंगे। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं एक इंस्टॉल प्रोडक्ट का वीडियो, कि ये जो वार्डरोब है आफ्टर इंस्टॉलेशन ये जो सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो ये है अपना बोस का BSLD 010 आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये वाला जो वार्डरोब है इसमें हमने फिक्स किया है बोस का BSLD 010। तो ये स्लाइडिंग वार्डरोब है,
ये जो वार्डरोब है वो फोर वे सॉफ्ट क्लोज है, मतलब अगर आप इस डोर को ओपन करेंगे तो भी सॉफ्ट क्लोज होगा एंड वापस क्लोज करेंगे तो भी सॉफ्ट क्लोज होगा, मतलब एक डोर जो है वो बोथ साइड सॉफ्ट क्लोज है। क्लोज ओपन, इसी तरह से जो सेकंड डोर है वो भी सॉफ्ट क्लोज है इस तरह से। अगेन उसको खोलेंगे तो सॉफ्ट क्लोज कुछ इस तरह से। तो ये हो गया अपना फोर वे सॉफ्ट क्लोज वार्डरोब विथ बोस BSLD 010। तो अगर इसका सिस्टम मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें ऊपर में कुछ इस तरह का ट्रैक आता है जिसमें कि जो सॉफ्ट क्लोज सिस्टम है वो ट्रैक के अंदर ही फिक्स हो जाता है। ये देखिए इस ट्रैक में बोथ साइड में सॉफ्ट क्लोज सिस्टम लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है वो ऊपर वाला पार्ट है इसका, और इसमें इन साइड में आते हैं व्हील्स जो कि चलते हैं ट्रैक के अंदर। तो इसके जो व्हील्स है वो चलते हैं ट्रैक के अंदर कुछ इस तरह से। तो इनका जो है ट्रैक से आउट होने, डोर का ट्रैक से आउट होने का चांस कम रहता है क्योंकि ये जो व्हील्स हैं वो इस ट्रैक के बीच में चलते हैं। तो ये हो गया ऊपर का पार्ट, ये दोनों डोर है, ये डबल डोर है, दोनों कुछ इस तरह से फिक्स होते हैं। तो ये हो गया ऊपर का पार्ट, और नीचे में अगर देखेंगे तो सेम उसी तरह का ट्रैक है जैसा कि ऊपर में है। इसमें अपने को कैप मिलता है यहाँ पे जो कि लगता है उसके ऊपर, इसको फिक्स करना है ये ट्रैक को इंस्टॉल करने के बाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ये है बोस ब्रांड का, ये बॉटम ट्रैक है कुछ इस तरह से। तो इसमें भी अगेन जो व्हील है वो कुछ इस तरह से फिक्स किए हैं ताकि जो चले तक इसके जो व्हील्स हैं वो उसी तरह से इस ट्रैक के अंदर में चलते हैं। तो ये जो मॉडल अवेलेबल है वो टू वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 8 feet एंड 12 feet। ये जो वार्डरोब है 8 feet का है, डबल डोर। ये जो सॉफ्ट सिस्टम है कुछ इस तरह से काम करता है, स्मूथली क्लोज होगा ताकि डोर क्लोज होते टाइम में साउंड नहीं आएगा। और साथ ही इस वार्डरोब के अंदर में इंस्टॉल किया गया है ये सेंटर लॉक जो कि है भाई एप्को ब्रांड का सेंटर लॉक है 19mm डोर के लिए, और 25mm के डोर के लिए डिफरेंट मॉडल आता है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो 19mm का है। तो जैसा कि ये लॉक कर दिया हमने यहाँ पे, ये जो डोर है मूव नहीं होगा इस तरफ। अगेन इसको अनलॉक करेंगे और ये ओपन हो गया, और इसका जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरह से काम करता है, इनसाइड से इस तरह से लॉक अनलॉक विथ टू कीज़। इसमें मिलते हैं अपने को दो कीज़ साथ में। तो ये था अपना बोस BSLD 010 के बारे में छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।